हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। उसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे ग्रामर के क्वेश्चंस को रखा है जो आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई होप प्रीवियस वीडियोस भी आपने देख ही ली होंगी, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो इसी चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं उन्हें, क्योंकि ग्रामर के भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उसमें क्लियर किया है, और साथ ही लिटरेचर के भी लगभग 1000 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट की सारी सीरीज़ इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कोर्स ऑफ ब्लेजर्स आर अ डैश असेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास। बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, और इसमें इस ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑप्शंस हैं आपके पास, परफॉर्मिंग, सेटिंग, स्टेजिंग या फिर स्टैंडिंग। दोबारा से पढ़ते हैं, सेंटेंस है हमारा, स्कोर्स ऑफ ब्लेजर्स आर अ डैश असेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या आना चाहिए यहां पर? परफॉर्मिंग, सिटिंग, स्टेजिंग या स्टैंडिंग? देखिए, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेजिंग। अब स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? स्टेजिंग का मतलब होता है अभिनय करना या एक्टिंग करना या फिर धरना प्रदर्शन। जब हम इसे इस तरीके से फ्रेज बनाएंगे इसकी कि स्टेज इन अ सेट, ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है स्टेज इन आ सिट, यहाँ पर टाइपिंग एरर भी है, यहाँ ए से पहले ए इन भी आना चाहिए, मतलब ब्लैंक है फिर है इन आ, ठीक है, इन आ सिट। तो स्टेज इन अ सिट का मतलब होता है धरना देना, ठीक है, या प्रोटेस्ट करना किसी चीज को लेकर, ठीक। तो स्कोर्स ऑफ अ ब्लेजर्स आर आ स्टेज इन अ सिट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेजिंग इसलिए आएगा इस सेंस में, अगर ये एक हमारी फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इस फ्रेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन स्टेजिंग होना चाहिए, ना कि परफॉर्मिंग, ठीक है। स्कॉर्स ऑफ ब्लेजर्स आर अ स्टेज इन अ सेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप डैश मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। बताइए, ऑप्शन है ईटिंग, गल्पिंग, स्वॉलिंग या टेकिंग, कौन सा वर्ड सूटेबल है यहां पर? सेंटेंस का मीनिंग तो आप समझ ही चुके होंगे, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप डैश मेडिसिन। तो क्या आएगा, स्टॉप ईटिंग मेडिसिन, स्टॉप गल्पिंग मेडिसिन, स्टॉप स्वॉलिंग मेडिसिन या फिर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। तो देखिए, इन चारों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। जैसे ईटिंग मतलब चबा चबा कर खाना किसी चीज़ को, ठीक है, अब हम मेडिसिन को चबा कर तो नहीं खाते। नेक्स्ट है गल्पिंग, गल्पिंग मतलब निगलना, ठीक है, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। स्वॉलिंग, स्वॉलिंग का मतलब ही निगलना ही होता है, ठीक है। और टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना। तो यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड होगा वो टेकिंग ही होगा, ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसमें हमें एरर छांटना है किस पार्ट में हमारे एरर है। ओके, एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, नो एरर। बताइए इसके कौन से पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर।
सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, हर एक ऑप्शन को हम एक एक करके देखते जाएंगे कि किसमें एरर है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ही आस्ड, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे, क्योंकि आगे भी वाज वर्ब का यूज़ हो रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, आस्ड ही आना चाहिए। आगे है वेदर, इनफैक्ट ये एक इनडायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस है, ठीक है। ही आस्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, तो बी पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स ही आना चाहिए। नेक्स्ट, लेकिन अब आपको यहाँ देखना है, ये जो वर है ना, वर की जगह पर यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब को, ठीक है, ना कि प्लूरल वर्ब को। ईदर ऑफ द ब्रदर्स मतलब दो ब्रदर्स में से कोई एक, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो सी पार्ट में हमारे एरर थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। अब नीचे भी एक सेंटेंस के चार पार्ट्स कर दिए गए हैं, आपको बताना है विच पार्ट हैज एन एरर। ऑप्शन ए, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम एंड नो एरर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें किस पार्ट में एरर है? देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ओपनिंग हिज लेटर्स, ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, रीडिंग देम केयरफुल्ली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, दिस इज आल्सो करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में देखें, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिक्टेट के साथ में जो हमारी प्रपोजिशन यूज़ होगी वो विद यूज़ ना होकर क्या यूज़ होनी चाहिए, टू, ठीक है, डिक्टेटेड टू होता है, ना कि डिक्टेटेड विद, ठीक है। तो पार्ट सी में ही इसके एरर थी, ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज, बाइट योर टंग, इस फ्रेज का मीनिंग बताना है, बाइट योर टंग, ओके। ऑप्शन ए है टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, बी पार्ट है अ बाइट ऑफ योर टंग व्हाइल ईटिंग, सी टू फील सॉरी, डी टू आस्क समथिंग, सॉरी टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वॉन्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइट योर टंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका मीनिंग है टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। देखिए अपने आप को कुछ भी बुरा कहने से रोक लेना, ठीक है, क्योंकि ये बेटर है कि वो ना ही बोला जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाइट योर टंग का मतलब यही होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, लेट्स मीट राजेश टुडे, ही डजंट वर्क डैश सैटरडेज। ऑप्शन इज इन सैटरडेज, अबाउट सैटरडेज, टू सैटरडेज या ऑन सैटरडेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये तो बहुत ही इजी है, प्रपोजिशन क्या लगती है? अगर हम डेज के नेम की बात करें तो इसके साथ में कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग? यस, इसके साथ जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो ऑन लगती है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके से ऑन सैटरडेज, ओके। लेट्स मीट राजेश टुडे, ही डजंट वर्क ऑन सैटरडेज, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन इज, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। अब इसको वॉइस चेंज करना है, बेसिकली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। अभी ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में है। हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड यूज होती है, ओके। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, तो अब इसमें हमें तीन चीज़ बेसिकली फाइंड आउट करनी होती है, तभी हम उसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट होना चाहिए जो इसमें है दे, उसके बाद हमें
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिससे हम टेंस की पहचान करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ें छांट लेनी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, प्लस हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट तो बदल जाएगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम द पेपर्स से शुरू करेंगे, द पेपर्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा था, आर प्रिपेयरिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ओके। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं करते, इज आर एम ही रहती हैं, लेकिन इज आर एम के साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है, उसका नाम है बीइंग, ठीक है। या फिर या तो लगेगा इज बीइंग, या फिर आर बीइंग, या फिर एम बीइंग। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, तो द पेपर्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद पेपर्स अगर प्लूरल है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, आर बीइंग आना चाहिए। यहाँ कैन बी है, रॉन्ग है, यहाँ विल है इसलिए रॉन्ग है, यहाँ आर गोइंग यहाँ भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आर बीइंग यूज़ होना था, तो आर बीइंग। इसी से हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। उसके बाद आगे सेंटेंस क्या बनेगा, प्रिपेयर्ड नाउ, आगे इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कई बार आपको, बाय दे को देम में चेंज कर, ठीक है, बाय देम, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जस्ट अ मिनट, यस लेट मी स्टार्ट द पेन। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट मेक्स दीज होल्स, अब पैसिव वॉइस चेंज करना है इसका भी, ठीक है। व्हाट मेक्स दीज होल्स, ऑप्शंस हैं, हाउ आर दीज होल्स मेड, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, Who makes these holes with? Do these holes are made by? तो इसे किस तरीके से चेंज करने वाले हम, सोचिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है वो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन का है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है ना, उसे एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है व्हाट, तो हम व्हाट को व्हाट ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ और हु और डू लग रहा है ना, इसी से हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या है, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन वर्ड को नहीं चेंज करते हैं, ओके। बस एक क्वेश्चन वर्ड है जिसे हम पैसिव वॉइस में बनाते समय चेंज कर लेते हैं, जो हमारा हु है, हु को हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में, ठीक है, इसे भी ध्यान रख लेना है। बाकी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्हाट का व्हाट ही रहने वाला है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि मेक्स दीज होल्स, यानी कि यहाँ पर टेंस की बात हो रही है, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगनी शुरू हो जाएंगी, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लगेगी, ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम व्हाट के बाद में क्या लगाएंगे, दीज होल्स, दीज होल्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना, अब इस ऑब्जेक्ट को हम एज अ सब्जेक्ट ले जा रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब लगाएंगे। अब होल्स क्या है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, क्लियर। उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगाया दीज होल्स, ओके। उसके बाद मेक जो हमारी वर्ब थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड और बाय, ओके, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। अब आपको ये पता करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये करेक्ट है या फिर इसकी जगह कुछ और आना चाहिए। लुक इट आफ्टर होता है, लुक इट आउट होता है, या फिर लुक इट फोर होता है, लुक इट अप होता है, या नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि लुक इट आफ्टर सही है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए था। यस, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। तो लुक इट आफ्टर सही है या रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए लुक इट आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक इट आफ्टर का मतलब ये नहीं है कि हम डिक्शनरी में कोई चीज देख रहे हैं, तो उसका मीनिंग अलग ही होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, लुक इट अप, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर लुक इट आफ्टर ना आके क्या आना चाहिए, लुक इट अप, ओके, आई लुक इट अप इन द डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज मिस्टर एंड मिसेज रॉय या राव स्टे इन देयर होम
एवरी इवनिंग. तो देखिए यहाँ पर इन देयर होम, ये क्या रिप्लेसेबल है या सही है? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर इन देयर होम की जगह एट होम आएगा, इनसाइड द होम आएगा, विद इन देयर होम आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, बताइए. मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम एवरी इवनिंग? नहीं, स्टे एट होम. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. देखिए यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है इनका सही यूज बताना है. सेंटेंस है द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. तो ये किस तरीके से बनेगा? देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, जैसा कि इफ या वेदर वाले सेंटेंस हमेशा कंडीशनल कहलाते हैं. अब कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है? देखिए कंडीशनल सेंटेंस की एक कंडीशन होती है कि अगर हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को, मतलब एक पार्ट को अगर हम सिंपल प्रेजेंट का बना रहे हो तो सेकेंड पार्ट में हम विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है. और अगर ये हम सिंपल पास्ट ना बना के, सॉरी सिंपल प्रेजेंट ना बना के सिंपल पास्ट में बनाएं तो विल की जगह वुड यूज करना शुरू कर देते हैं. और अगर ये पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो फिर हम विल हैव यूज करते. ओके, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे. द पुलिस किल्स यू, ठीक है. उसके बाद बनेगा इफ यू विल ट्राई टू रन अवे, या फिर इसके फर्स्ट पार्ट में द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, इस तरीके से बन सकता है. यस अगर हम ऑप्शन से देखें तो यहां पर देखिए विल किल, ट्राइड, ट्राइड यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के साथ विल किल नहीं लगाएंगे इसलिए रॉन्ग है. मे किल नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हम, ट्राइड ये भी रॉन्ग है. वुड किल और शैल ट्राई ये भी रॉन्ग है. फर्स्ट पार्ट ही करेक्ट है, द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. यहाँ पर विल भी लगना चाहिए था, आई थिंक द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. तो यहाँ पे किल्स ना होके विल किल होगा, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे ना टाइपिंग एरर हुई है, इसे ध्यान रखना है. द पुलिस विल किल यू आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. विल किल यू, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज सती हैज टू कैच टू फ्लाइट्स टू रीच होम डैश द क्रिसमस डे. तो बताइए यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज होनी चाहिए क्रिसमस डे के साथ में? सती हैज टू कैच टू फ्लाइट्स टू रीच होम डैश द क्रिसमस डे. इन द क्रिसमस डे, फ्रॉम द क्रिसमस डे, ऑन द क्रिसमस डे, या एट द क्रिसमस डे? जैसा कि रीडिंग करने से ही आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए थी. देखिए या तो किसी की डे का नाम हो या फिर किसी फेस्टिवल का नाम हो, ठीक है. और उसके साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑन का ही यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर फेस्टिवल का नेम था इसलिए ऑन आया, ऑन क्रिसमस डे. मूविंग टू द नेक्स्ट 13 इयर्स राम वाज एन एयर डैश अ बिग फॉर्च्यून. तो एयर के साथ में क्या लगना चाहिए यहाँ पे? एयर ऑफ अ बिग फॉर्च्यून, टू अ बिग फॉर्च्यून, इन अ बिग फॉर्च्यून, विद अ बिग, सॉरी बिग फॉर्च्यून. What is the correct answer? Ram was an heir, a big fortune. Heir of a big fortune या heir to a big fortune? क्योंकि ये दोनों तो read out करने में ही गलत लग रहे हैं. आपको बस इन दोनों से बताना है of या to में से क्या आएगा. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एयर टू होता है, एयर ऑफ नहीं होता. राम वाज एन एयर टू अ बिग फॉर्च्यून. मूविंग टू द नेक्स्ट 14 इज आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन. अब देखिए एरर फाइंडिंग से फिर से एक क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि कौन किस पार्ट में एरर है. ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स. नो एरर. अब बताइए इसके किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है?
सोचिए आंसर कीजिए। देखिए इसका जो पार्ट ए है, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है ग्रामेटिकली। अगर हम सी पार्ट देखें, ही हैज़ ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ये भी करेक्ट है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें, यहाँ कह रहा है कि बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, यहाँ पे बट बिकमिंग की जगह हम बींग लगाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। बींग कैसे, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, बींग अ ग्रेट मैन, ही हैज़ ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। तो बट बिकमिंग जो है ना ये रॉन्ग है, यहाँ पे बींग आना चाहिए था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द स्टोलन गुड्स वर फाउंड डैश, क्या आएगा, आउटसाइड द गैरेज, वेयर द डोसेट्स यूजली हाइड थिंग्स, इन द डोसेट्स हाइडिंग प्लेस, एंड द पुलिस कन्फेस्केटेड देम ऑल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस सोचिए आंसर कीजिए। यस द स्टोलन गुड्स वर फाउंड वेयर द डोसेट्स यूजली हाइड थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज, देयर वाज अ साइन पोस्ट वेयर द टू पथ्स, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है कन्वर्स का, ठीक है। यहाँ पर टू पथ्स के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ था कन्वर्स, और इसका हमें सिनोनिम बताना है। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताना, ठीक है। देयर वाज अ साइन पोस्ट वेयर द टू पथ्स कन्वर्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शंस है सेपरेट, इंटरसेक्ट, मर्ज, डाइवर्स। देखिए ध्यान रखना, कन्वर्स का मतलब होता है मिलना, दो रास्तों को मिला देना, मिलना दो रास्तों का, ठीक है। और अगर हम इसके नियरेस्ट मीनिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएगा फिर, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब भी एक दूसरे को, रास्तों को इस तरीके से काटना या इन रास्तों का दो जगह पे मिलना, वही होगा इंटरसेक्ट, ठीक है। सेपरेट तो अलग अलग करना हो जाएगा, मर्ज मतलब मिला देना एक जगह, ठीक है, वो दूसरे सेंस में यूज होता है, डाइवर्स मतलब अलग अलग कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ जीलेट, नियरेस्ट मीनिंग। अब जीलेट का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ जीलेट। ऑप्शन है एंथुजियास्टिक, नियरेस्ट मीनिंग ध्यान रखना, सिनोनियम बताना है, एंटोनियम की बात नहीं हो रही है अभी। ब्रेव, टिमिड, फैनेटिक, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जिलट मतलब क्या होता है, जिलट मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो अपने धर्म को बहुत ही कट्टरपंथी के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम जिलट, ठीक है। कट्टरपंथी होते हैं जो लोग अपनी धर्म मतलब अपनी मान्यताओं को कभी परिवर्तित नहीं करते वो लोग, ठीक है, उन्हें कट्टरपंथी बोला जाता है, तो उन्हें ही इंग्लिश में जिलट कहते हैं। अब जिलट का अगर हम नियरेस्ट मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, एंथुजियास्टिक, ब्रेव, टिमिड या फैनेटिक। देखिए एंथुजियास्टिक अलग ही मीनिंग दिखा रहा है, ब्रेव भी अलग है, टिमिड भी अलग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फैनेटिक, ठीक है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही रेन टू कैच द बस, कैच अ बस। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर रेन की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज रन, हैड रन, वॉज रनिंग, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो पहले सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में बना हुआ है, कि कोई भी दो सेंटेंस अगर एक साथ मिलकर आ रहे हैं तो उनमें दोनों ही सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि वो सिंपल पास्ट में ही बने हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिंपल पास्ट में है तो ये थोड़ा रॉन्ग सा लग रहा है। अभी क्या करना है, वैन वी सॉ हिम लास्ट, ये सही है, ही रेन की जगह पर क्या आ सकता है, ही वॉज रनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैन वी सॉ हिम लास्ट ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस, दिस इज द सूटेबल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट
अभी इसे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. तो यहाँ पर कट अ सैड फिगर, ये जो एक फ्रेज दी गई है इसका मीनिंग बताना है. इसका मीनिंग क्या है? मेड अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फेस, कट अ सॉरी फिगर, नो इम्प्रूवमेंट. कट अ सैड फिगर का मतलब क्या होता है बताइए. इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इस idiom, सॉरी यहाँ पे ना बेसिकली हमें इसे चेंज करना था, इसका मीनिंग नहीं बताना था. कट अ सैड फिगर की जगह क्या आना चाहिए था? कट अ सॉरी फिगर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. और इसका मीनिंग लगभग सेम सही है. कट अ सॉरी फिगर बेसिकली करेक्ट idiom होती है, ना कि कट अ सैड फिगर. ठीक है, अब करेक्ट idiom तो ये है कट अ सॉरी फिगर. अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जब हम किसी की उम्मीदों पर खरा ना उतरे, मतलब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो उस टाइम पर. कट अ सॉरी फिगर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड. इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू इज कॉल्ड, कि क्या करना है, उसे क्या कहा जाएगा. मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, बताइए. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से याद आया कि मैंने लगभग 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनके लगभग 6 पार्ट में कर वीडियो अपलोड की हैं इस चैनल पर. आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको एक ही बारी में याद हो जाएंगे वो. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उन्हें डिस्क्राइब किया है. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसे प्रोग्राम ही बोलते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम. ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर एक वीडियो को देख पाएँ. ठीक है, क्योंकि आपकी सारी वीडियो, इस चैनल पर डलने वाली हर एक वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी.